हेलो फ्रेंड, आप सभी को वेलकम है आपके घर के चैनल अभी स्टोर पे। और मुझे पता है दोस्त कि फेसबुक जब चलाओगे और कोई फिजूल का रिपोर्ट मार के अगर आपकी आईडी बंद कर दे या कोई भी परेशानी हो और आपकी आईडी आपके इतना मेहनत बर्बाद हो जाता है तो मुझे पता है बहुत ज़्यादा दुख लगता है और बहुत मतलब यार हताश हो जाता है कोई भी नॉर्मल इंसान। मेरा खुद ही डिसेबल हुआ था, 50 दिन बाद ओपन हुआ था, आई थिंक वही 65,000 फॉलोअर थे मेरे तब। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप अपना फेसबुक अकाउंट इजीली वेरीफाई कर सकते हो। उसका दो मेथड आपको मैं सिखाने वाला हूँ, इस वीडियो पे सिर्फ एक सिखा रहा हूँ, नेक्स्ट इसका एक पार्ट और आएगा। तो फर्स्ट पार्ट है, इसको इजीली आप कर सकते हो, और अगर इससे आप अगर नहीं करना चाहते तो सेकेंड वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, उससे भी आप वेरीफाई कर सकते हो। चलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और क्या बता रहा हूँ उसको नोटिस कीजिएगा। आप खुद ही देख रहे हो कि मैं खुद एक फेसबुक किंग हूँ जिसकी लाइक्स कमेंट आपको मैं फिर भी दिखा देता हूँ। आपको बहुत सारे फोटोज़ में 1 मिलियन कमेंट्स, लाइक, भरपूर लाइक सब कुछ मिलेंगे। और यहाँ रात के अभी 4:08 हो रहे हैं और टाइमलाइन पे भी अभी आप देखोगे पोस्ट चल ही रहे हैं, जबकि मैं सभी फ्रेंड को बोल देता हूँ कि रात को 1 बजे के बाद आप रेस्ट कीजिएगा, होम पेज पर सपोर्ट दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कैसे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई के लिए सबसे पहले आपको जाना है अपनी सेटिंग पे, फेसबुक की सेटिंग पे जाना है। आपको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पहला जो मेन इंपॉर्टेंट है वहाँ चलते हैं हम लोग डायरेक्ट। सबसे पहले चलते हैं यूट्यूब के आपके घर के चैनल पे, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि SR फैमिली का कोड यहीं से रिलीज होता है, प्लस हर एक प्रॉब्लम का इलाज यहीं होता है। चलिए सबसे पहले अपन को क्या करना है वेरीफाई करने के लिए, देखिए इस वीडियो को डाला हूँ 2 दिन पहले, 12,000 व्यूज हुए हैं इस पर। देखिए बोला हूँ वर्किंग आईडी कार्ड, सबसे पहले आपको यहाँ जाना है, यहाँ इस एरिया पे क्लिक करनी है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिंक, आपको इसको डायरेक्ट क्लिक कर देनी है और थोड़ा सा वेट करना है। आपको अपने किसी भी ब्राउजर से आप इसको लॉगिन कर सकते हो, डायरेक्ट क्लिक करना है, आपको एक पेज मिल जाएगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, आई नो कीजिएगा और आपको यहाँ पेज मिल जाएगा। यहाँ पेज पे आपको यहाँ पर एक आईडी कार्ड बनानी है, आप फर्स्ट पे चले जाइएगा, फर्स्ट वाले पे कार्ड टाइप 1 पे यहाँ पर अपना नेम लिख दीजिएगा, अपना जेंडर प्लस डेट ऑफ बर्थ जो फेसबुक पे होगा उसी को डालिएगा, और यहाँ पर मतलब एड्रेस इसे डाल देना है, और आईडी कार्ड के लिए यहाँ पर अपना साफ़ सुथरा फ़ोटो जो कि फेसबुक पर लगा हो उसको डाल दीजिएगा। नॉर्मल सा ये काम करना है आपको। अब यहाँ पर देखिए नाम वही डालिएगा जो कि जिस नाम से आपको फेसबुक अकाउंट चाहिए। अब आईडी कार्ड बनने के बाद अपन को करना क्या है, देखिए सबसे पहले जाना है फेसबुक की सेटिंग पे, सेटिंग पे जाने के बाद आपको ऊपर पर्सनल जो सेटिंग है उस पर जानी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ओपन करनी, ऊपर पे नाम का सेक्शन आता है उसको क्लिक करनी है। यहाँ पर देखिए आपको नाम को आपको चेंज करना है तब वेरीफाई कर सकते हो। चेंज करने के लिए देखते हो नॉर्मल सा बात है, मैं नहीं चाहता कि आप अपना नाम चेंज करो, मे बी पार्ट 1 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग स्टाइलिश फॉन्ट में रखते हैं। मुझे पता है यार रोलबाजी ज़रूरी होती है, स्टाइलिश फॉन्ट अलग लगता है, लेकिन इतना भी अलग क्या कि जब दोस्त आपको टैग करें तो टैग में नाम ही ना मिले, तो ऐसा स्टाइलिश फॉन्ट रखना है बेकार है। फ्यूचर में आप कभी वेरीफाई करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपका पैटर्न किस नाम से है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसका भी नॉर्मल या स्टाइलिश फॉन्ट होगा या अगर कोई हिंदी में लिखा होगा ना वो भी अपना नाम सिंपल रख ले। और आईडी कार्ड बनाने के लिए इस वीडियो पे जो आपको दिखाया उस वीडियो से आप डायरेक्ट एक आईडी कार्ड बना सकते हैं। अब इसको देखिए यहाँ पर से क्या है कि आप यहाँ से चेंज के लिए ऑप्शन, अगर मान लो आप चेंज किए हो तो 60 दिन का आपको परेशानी देगा, तो उससे बेटर है कि आप यहाँ पर लर्न मोर पर क्लिक कीजिएगा। देखिए मैं क्या करते जा रहा हूँ, लर्न मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको मिलता है एक ऑप्शन, ये जो बॉक्स दिख रही है इसको आपको क्लिक करनी है। आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा कि आप अपना नाम लिख लीजिए भाई, जिस नाम से आप आईडी कार्ड बनाए हो ना उसी नाम को डालना, मिडिल नेम लास्ट नेम आप लिख लेना और यहाँ पर चूज फाइल पर वही आईडी कार्ड को डाल देना। आईडी कार्ड डालने के बाद आप इसको सेंड कर देना, 12 से 24 घंटे में आपकी अकाउंट वेरीफाई भी हो जाएगी प्लस आपका रीनेम भी हो जाएगा। तो स्टाइलिश फॉन्ट से आप नॉर्मल में भी हो जाओगे, वेरीफाई भी हो गए, पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप वेरीफाई कैसे कर सकते हो भी इजीली, एकदम इजी तरीके से। और ख़ास बात बता दूं इस वीडियो में भी कि आप जिससे कभी भी किसी भी बंदे को मतलब
कोई भी फ्रेंड हो या कोई भी बिकिंग हो या बहुत ज़्यादा मेहनत किया हो, वेरीफाई कब कब होती है, कैसे होती है? फर्स्ट ईयर वेरीफाई के लिए डिसेबल होती है अकाउंट, तो वेरीफाई कर सकते हैं। सेकेंड, आप खुद चाहो रिनेम करना चाहो तो आप कर सकते हो। और वहाँ पर देखिए, जैसे पिकअप, एक मिनट और दिखा देते हैं खास। यहाँ पर देखिए, जैसे सबमिट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ना, इस ऑप्शन में अगर आप गर्ल्स हो, गर्ल्स अगर आप देख रही हो तो यहाँ बस आप इसको क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आप बॉयस हो, बॉयस आप देख रहे हो तो स्पेलिंग मिस्टेक में भी डाल सकते हो। इससे देखिए, गर्ल्स लोगों का क्या होता है ना कि मैरिज के बाद नॉर्मल सा बात है, फेसबुक पे पता है कि उनका टाइटल चेंज हो जाती है, इसलिए गर्ल्स इसको अप्लाई कीजिएगा, बहुत जल्दी वर्क करता है। और बॉयस लोग, आप इसको डालना स्पेलिंग मिस्टेक में तो आप इजिली कर सकते हो, याद रखिएगा। और चलिए बताता हूँ खास बात, तो मैं आपको बता रहा था कि डिसेबल जब अकाउंट होती है तो वेरीफाई होती है, स्ट्रॉन्ग वेरीफाई जैसी मेरी है, तो उसके लिए मैं पार्ट टू में बता दूंगा कैसे अनेबल करना है और कुछ बेनिफिट भी दूंगा आपको। तो देखिए यार, नॉर्मल सा बात है, एफबी किंग, कोई भी एफबी किंग हो, दुनिया का कितना बड़ा एफबी किंग हो या मार्क जुकरबर्ग अंकल खुद ही क्यों ना हो, नहीं, नॉर्मल सा बात है, फेसबुक अकाउंट एक सर्वर है, इस पर आप अच्छा, आपको मतलब आपका आइडेंटिटी है, जो नाम है वही आधार कार्ड है, तो एक प्रूफ है समझ लो। तो भाई नॉर्मल सा बात है कि आप अगर किसी अकाउंट को, फ़र्क यही रहता है कि सामने वाले बंदे का अकाउंट वेरीफाई रहता है और आपका नहीं रहता है, जिस वजह से आपका अकाउंट बीच बीच में लॉग आउट होगी, गेट स्टार्टेड होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होता रहता है। इसलिए आप इस पार्ट वन पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो बिंदास कर सकते हो, और नहीं आपको नहीं करना है इससे तो आप वेट कीजिएगा। अकाउंट डिसेबल होता है कब कब वो भी बता देता हूँ, इसके बारे में कोई नहीं बताया होगा आज तक। आपका अकाउंट 55,000 फॉलोअर से 65,000 फॉलोअर के बीच में डिसेबल होगा, लिख के ले लो, इतना में ज़रूर होगा, तब वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरीफाई होता है 5,00,000 फॉलोअर पे, 5,00,000 में सेकेंड वेरीफाई होता है, और फाइनली 9,00,000 फॉलोअर पे होता है, जिसको वेरीफाई करने अच्छे अच्छे की हवा हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपको पता ही होगा, तो पहले बता दे रहा हूँ कि वेरीफाई शुरू से ही कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहता है। थैंक्स टू वॉच, नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलते हैं सेकेंड पार्ट के साथ।